अस्सलाम वालेकुम। ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद उजैफ आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। केसी अंडे इंडेक्स की बात करें तो आज फर्स्ट हाफ थोड़ा सा जो है वो इंडेक्स स्टक होता हुआ नजर आया, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का मोमेंटम हमें बनता हुआ नजर आया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने जो है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA की सपोर्ट जो है काफी टाइम से चलती भी आ रही है, जो इंडेक्स रिस्पेक्ट देता हुआ चल रहा है उसको, वहां से उसके इंडेक्स ने सपोर्ट ली, कंसोलिडेशन की और फिर जो है वो सेकंड हाफ के अंदर बड़ा जबरदस्त किस्म का रीबाउंड होते हुए देखने को मिला। PPL जो है वो जब 145 का ब्रेकआउट हुआ बड़े जबरदस्त किस्म के उसने पॉइंट सेट करता हुआ नजर आया। वो आगे उसके PPL को डिस्कस भी करते हैं। जब इसका ब्रेकआउट भी हुआ था जब आज से 15-20 दिन पहले, तो उस वक्त भी एक डिटेल वीडियो PPL के ऊपर बनाई थी कि इसके एक अच्छे टारगेट्स आगे नजर आ सकते हैं, वो भी आगे दोबारा से इंडेक्स को PPL को जो है वो थोड़ा सा देखेंगे। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो आज बड़ी जबरदस्त किस्म की पॉजिटिव क्लोजिंग हम लोगों ने देखी है। 1893 के लेवल के ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। नेट यहाँ पे देखें नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 1893.8 की है और क्लोजिंग जो है वो 90,859 के ऊपर हमें देखने को मिली है। कल का सेशन और परसों का सेशन जो है वो काफी ज्यादा इंडेक्स के अंदर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था, लेकिन आज जो है वो बुल्स दोबारा से रीबाउंड होते हुए नजर आए हैं। PSO, PPL, OGDC, SNGP काफी एक जबरदस्त किस्म का जो है वो मोमेंटम बना। PSO के अंदर पिनट पैटर्न, फिर वो उसका एक्सटेंडेड टारगेट, फिर PPL के अंदर सिमेट्रिकल पैटर्न, ये सारे इंडेक्स को जो है वो सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात की जाए सेल्क बैंक के इलेक्ट्रिक को भी आज बड़े डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, इसको जो है मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। WTL, PPL, SSDC वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर की बात की जाए तो UBL ने 312 पॉइंट, PPL ने 224 पॉइंट, ऑलमोस्ट 225 पॉइंट, OGDC 154 पॉइंट, लकी सीमेंट 111 पॉइंट, PSO 104 पॉइंट, MCB 79 पॉइंट, चराट सीमेंट 77 पॉइंट। आज भी जो है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का 20 रुपए से ज्यादा का जो है वो चराट सीमेंट के अंदर गेन देखने को मिला है। इसके ऊपर क्या पैटर्न है, क्या चीजें हैं, क्यों ब्रेकआउट है, वो सारी चीजें जो है वो टेक्निकल ग्रुप के अंदर अलहमदुल्ला चीजें शेयर कर दी गई है। HBL ने 60 पॉइंट सिस्टम, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर था फिर रिबाउंड होता हुआ नजर आया, फिर 9 पॉइंट इसने एड किए हैं। लूजर साइड के ऊपर SRBI 12 पॉइंट, FCEPL 10 पॉइंट, FABL 8 पॉइंट, एबट 8 पॉइंट लूज करते हुए हमें नजर आए हैं। इंडेक्स ने जो है वो आज बड़ी जबरदस्त किस्म की पॉजिटिव कैंडल हमें बुलिश कैंडल बनते हुए देखने को मिली है। 9 EMA की सपोर्ट ऑलमोस्ट हम लोग देखें तो सितंबर से ही चलती भी आ रही है, यहाँ पे जो है इंडेक्स को सपोर्ट लेता हुआ चल रहा है और इसको ब्रेक नहीं कर रहा, यही एक लाइफ लाइन जो है वो शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बनी हुई है। ये अगर ब्रेक होगी तो फिर जो है वो 21 EMA को इंडेक्स टारगेट करता हुआ नजर आएगा। फिलहाल जो है वो इंडेक्स ने यहाँ से सपोर्ट लिए, लेकिन वॉल्यूम जो है वो हमें आज थोड़े से जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए KC अंडर इंडेक्स के अंदर। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने जो है वॉल्यूम जो है वो 287.736 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था, आज जो है वो हम लोगों ने 230.035 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। कल के सेशन से अगर वॉल्यूम को कंपेयर किया जाए तो 57.701 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 20% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो 90,859 के लेवल के ऊपर देखने को मिली है और हाइएस्ट अभी तक जो क्लोजिंग है ना वो हम लोगों ने 90,864, यहाँ पे 90,859 और यहाँ पे जो है 864, बिल्कुल मामूली से जो है वो 5 पॉइंट सिर्फ नीचे हैं। जो हाइएस्ट क्लोजिंग हमने देखी थी उसे 5 पॉइंट नीचे क्लोजिंग देखने को मिली है, तो वो ये अगर थोड़ा सा पॉइंट हाइएस्ट 70 के पास अगर 10-12 पॉइंट और एड हो जाते हैं इंडेक्स के अंदर तो फिर हमें जो है वो हाईएस्ट क्लोजिंग इंडेक्स की देखने को मिलती। अभी तक जो है वो इंडेक्स ने कोई भी क्लोजिंग जो है वो 91,000 अबव नहीं देखने को मिली है। यहाँ पे जो है वो इंडेक्स को जो है काफी स्ट्रगल करना पड़ा था 91,000 से ऊपर होल्ड होने के लिए, लेकिन बुल्स जो है वो इस चीज में नाकाम हुए थे। तो इस मरतबा आप नेक्स्ट आगे देखते हैं, मंडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी भी है तो उसके अंदर देखते हैं कि मार्केट का उसका क्या इम्पेक्ट लेती है। मंडे के सेशन जो है वो वेट क्या स्ट्रेटेजी होगी मार्केट की, मार्केट में वॉल्यूम किस तरह से होगा, इन्वेस्टर वेट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का या फिर जो है 91,000 अबव मंडे वाले दिन क्लोजिंग होती है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मंडे वाला दिन सेशन होगा। वीकली बेसिस के ऊपर अगर हम लोग बात करें ना तो वीकली बेसिस के ऊपर जो है वो डोजी कैंडल की फॉर्मेशन हमें बनती हुई देखने को मिली है और वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए। इस वीक जो है वो हम लोगों ने 1283 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट वीक जो एक बड़ा जबरदस्त किस्म के पॉइंट्स ऐड होते हुए देखने को मिले थे, इस वीक जो है वो हम लोगों ने 865.8 पॉइंट्स जो है वो नेट बेसिस के ऊपर
वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर हमने ऐड होते हुए देखने को मिले। लास्ट वीक हमें 4743 पॉइंट ऐड होते हुए देखने को मिले थे, और वॉल्यूम भी जो है वो काफी सिग्निफिकेंटली हमें अच्छे जबरदस्त किस्म के इंक्रीज होते हुए नजर आए थे। लास्ट वीक हम लोगों ने 1904 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। अगर लास्ट वीक से वॉल्यूम कंपेयर करें हम लोग, तो 621 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने कम देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज में देखा जाए तो 32.6% वॉल्यूम हमें कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स जो है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन के पास से जो है वो अब थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे मंडे वाले दिन देखना है कि 91,000 से ऊपर या फिर इस ट्रेंड लाइन को देखा जाए तो 91,400-91,500 के पास आ रही है। मंडे की क्लोजिंग 91,500 की जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोजिंग होगी। यही 91,180 और 91,360 इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है, और 91,500 जो है वो मंडे के लिए मेजर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। बुल्स को नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम बनाने के लिए इस लेवल से ऊपर होल्ड होना होगा। सपोर्ट की बात की जाए तो 91,500 और 90,500 और 90,360 के जो है वो मंडे के लिए सपोर्ट एरिया है। याद रहे ये डोजी कैंडल की फॉर्मेशन जो है वो नेक्स्ट वीक जो है वो मोमेंटम जो है वो हमें वीक ऑन वीक बेसिस के ऊपर क्लियर होता हुआ नजर आएगा कि इंडेक्स जो है वो यहाँ से नेक्स्ट बुलिश मोमेंटम के लिए तैयार होता है, इसको ब्रेकआउट करता है, 91,500 से ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, या फिर हमें जो है वो नीचे सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आता है। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के बाद ही हमें आगे सिचुएशन जो है वो क्लियर होती भी नजर आएगी। इसके अलावा अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं तो पीपीएल जो है वो आज बड़ा जबरदस्त किस्म का मोमेंटम बना, तो इसका जो है वो ब्रेकआउट हम लोगों ने सिमेट्रिकल पैटर्न का होता हुआ देखने को मिला था। वॉल्यूम भी जो है वो आज काफी इंक्रीज होते हुए नजर आए, 10 रुपए से ज्यादा का जो है वो इसने आज गेन देखने को मिला है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें ना तो ये पैटर्न के अंदर देखे ना तो नवम्बर 2023 से लेके अक्टूबर 2024 तक जो है ना वो स्टक होता हुआ नजर आया था। यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था अक्टूबर के स्टार्ट के अंदर, तो ये एक डिस्कस की थी वीडियो, ठीक है, टेल के अंदर ओजीडीसी और बीपीएल की भी, इसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट टारगेट जो है वो 137-136 का होगा, इसके बाद जो है वो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो 50 रुपए का अपसाइड का टारगेट है वो यहाँ पे 165 से लेके 170 के दरमियान यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्ट लेवल की अगर मैं बात करूँ तो 168.60 के लेवल पे जो है वो इसका पैटर्न का टारगेट कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो के इलेक्ट्रिक के अंदर भी जो है वो आगे मोमेंटम जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बड़ी जबरदस्त किस्म की आज जो है वो इसके अंदर भी मोमेंटम बना, वॉल्यूम भी जो है वो आज इंक्रीज होते हुए नजर आए थे। एक लॉन्ग कंसोलिडेशन की है जनवरी 2024 के बाद से जो है ना वो इसने फॉलोइंग बेच के अंदर ही स्टक होता हुआ नजर आ रहा था। यहाँ पे एक अच्छी हेल्दी कंसोलिडेशन की 3.70 रुपए से 4 रुपए के पास, और फिर जो है वो इतने जबरदस्त किस्म का मोमेंटम पकड़ा। मोमेंटम पकड़ने के बाद 4.85 रुपए से 90 पैसे तक गया, फिर इसके बाद इसने दोबारा से रीटेस्ट किया ब्रेकआउट लेवल को, और ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के बाद ये अब मोमेंटम बनाता हुआ नजर आ रहा है। इनिशियल जो है वो ब्रेकआउट अब जो है वो 4.90 रुपए का होगा, 4.90 रुपए के बाद जो है 5.10 रुपए से लेके यहाँ पे 5.40 रुपए का इनिशियल अपसाइड टारगेट होगा, और इसके बाद जो है वो 5.80 रुपए से 6.40 रुपए तक की मूव हमें पैटर्न के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 2.12 रुपए का जो अपसाइड का टारगेट है 6.40 रुपए तक हमें कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। स्ट्रेटेजी या तो फिर ये ब्रेकआउट के बाद बाइंग वाली होगी 4.90 रुपए से ऊपर क्लोजिंग वाली होगी, या फिर बाइंग ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी होगी। ठीक है, या तो 4.90 रुपए से ऊपर क्लोज हो जाए उस वक्त बाय करना है, या फिर स्टेप बाय स्टेप नीचे एक्युमुलेशन करनी है। ठीक है, स्टॉप लॉस इनिशियल स्टॉप लॉस 4.20 रुपए का भी रखा जा सकता है, और फाइनल स्टॉप लॉस जो है वो 3.50 रुपए का रखा जा सकता है। ऐसा ही देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस बनाती हुई नजर आ रही है जो कि बुलिश मोमेंटम को सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें लाइक पीपीएल PSO, ठीक है, जब 192-200 के दरमियान वहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, वो सारी चीज़ें एग्जैक्ट जो है वो अपने क्लाइंट के साथ टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगे कमेंट में लाजमी बताएं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।